हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। डिस्टेंस टू एम्प्टी या फिर रेंज, जो टैंक की रेंज होती है, ये आजकल के सभी मॉडर्न कार्स में ये फीचर दिखता है। लेकिन इस फीचर में लोगों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और ये इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहते भी हैं एक्चुअल में। जो इंस्टेंट उस समय दिख रहा है आपको, एट लास्ट वही आपको फिगर मिले, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और ये कम ज़्यादा होता रहता है, इसीलिए लोगों के मन में इतना ज़्यादा डाउट हो जाता है कि क्या यार ये सही भी बता रहा है या नहीं। और 90% 95% इस चीज़ को समझ नहीं पाते लोग और कहते हैं ये तो बेकार के फीचर हैं, ये नहीं है सही। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि ये चीज़ कैसे कैसे वर्क करती है, ये ख़राब नहीं होती, गलत नहीं होती है, सही होती हैं, और आखिर वर्क कैसे करती है, मैं आपको ये समझाता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक करता हुआ दिखा रहा है, ये क्योंकि रिजर्व में आ चुकी है इस समय कार, इसीलिए। तो ये जो गेज है ये वर्क कैसे करता है, हमारा जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है, मैं इस समय डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता हूँ। ये देखिए रेंज इस समय ये डैश डैश आ रहा है क्योंकि रिजर्व आ चुकी है। रिजर्व आते ही रेंज दिखाना बंद कर देता है, दैट मीन्स आपका टाइम हो चुका है, अब रिफ्यूलिंग करवानी है। देखिए अभी 6.5 किलोमीटर की ये ट्रिप दिखा रहा है, मैंने अभी रिसेट करी थी, तो उसके बाद ये 7.6 ये अभी आ रहा है, क्योंकि ट्रिप भी छोटी है इस वजह से ये बहुत जल्दी नीचे गिर रहा है। और मैं काफ़ी देर से गाड़ी में बैठा हूँ इस वजह से ये इतना कम माइलेज दिखा रहा है। अब अगर मैं इसका जो टैंक है वो फुल भी करा दूँ तब भी जो मेरी कार है वो इसके अकॉर्डिंग, मतलब 7.6 आपको दिख रहा है, तो अगर इसमें 30 लीटर अगर तेल आ जाता है तो इसकी जो रेंज है वो 30 लीटर यानी 7.6, मतलब अराउंड 250 किलोमीटर, 240 किलोमीटर के करीब ये दिखाएगा, ठीक है। अगर यही माइलेज यहाँ पर हमारा 20 आ रहा होता या 22 आ रहा होता तो वही 30 लीटर हमारा 600 की रेंज दिखा रहा होता। देखिए मोटी सी बात यह है कि जो हमारा डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो हमारा कैलिब्रेटेड रहता है जो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है उससे। अब जो हमारी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है अगर वो ज़्यादा है, सपोज़ एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कहीं 500 किलोमीटर की ट्रिप करके आया हूँ, बहुत अच्छा है माइलेज मिला है मुझे, और मेरा जो मीटर है वो भी मेरा दिखा रहा है 20 या 21 का, उसी के अकॉर्डिंग मुझे जो कार है वो रेंज दिखा रही होगी। सपोज़ अगर मेरे को 20 का माइलेज मिला हुआ है और अभी भी मैं उसी कंडीशन में हाईवे पर ही चल रहा हूँ, तो अगर 10 लीटर भी फ्यूल बचा है मेरे टैंक में तो जो डिस्टेंस टू एम्प्टी या फिर रेंज है वो 20 के माइलेज के अकॉर्डिंग 10 लीटर का, मतलब 200 किलोमीटर की रेंज दिखाएगा, ठीक है। अगर वही मैं आ जाता हूँ सिटी में, उसी हाईवे को छोड़ा और मैं आ गया सिटी में, या फिर कोई रफ़ कंडीशंस हैं, या फिर नहीं सही वैसे स्मूथनेस के साथ नहीं चल रही गाड़ी और लोड आ रहा है इंजन पे, या फिर माइलेज ड्रॉप हो रही है, अब सिचुएशंस आप जानते हैं कुछ भी हो सकती है। अगर सिचुएशन चेंज होती है, धीरे धीरे जो हमारा डिस्टेंस टू एम्प्टी था, रेंज थी, वो भी नीचे आती रहेगी। वो क्यों? क्योंकि अब कार को यही लग रहा है कि अब आप इसी कंडीशन से चलेंगे, और ऑब्वियस सी बात है जो आपकी करंट कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग आप बताइए, क्योंकि आप वहीं पर देख रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो बता देगी। अगर वहाँ पर आपका माइलेज 15 आ रहा है, हालांकि मीटर में 15 आने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर उस समय पर आपका 15 माइलेज आ रहा है तो वो 15 के अकॉर्डिंग आपका जो डिस्टेंस टू एम्प्टी या फिर रेंज जिसे कह रहे हैं वो रेंज 15 के अकॉर्डिंग हमारी कम हो जाएगी, मतलब 150 हो जाएगी वो। वही हम गाड़ी खड़ी कर दें, इंजन चल रहा है जैसे अभी चल रहा है मेरा, तो ये रेंज ड्रास्टिकली नीचे आती रहेगी, क्योंकि जो हमारा माइलेज है वो भी हमारा ड्रास्टिकली नीचे आ रहा है। हमारा इंस्टेंट माइलेज तो बिल्कुल एफिशिएंसी कुछ है ही नहीं, क्योंकि गाड़ी खड़ी है और इंजन चल रहा है, तो रेंज हमारी नीचे आती जाएगी। इसी तरह से जो रेंज है वो काम करती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अभी हाईवे पर था और वहाँ पर मेरी जो रेंज है वो दिखा रहा था 300 किलोमीटर या 400 और मैं सिटी में आया एकदम से कम हो गई, तो ऐसा नहीं है। इंस्टेंट माइलेज पर ही रेंज डिपेंड करती है, वो कम ज़्यादा होती रहेगी। अगर आप शहर में हैं वो कम दिखा रहा है, कोई बात नहीं, आप उसी को हाईवे पे लेकर जाइए, आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी इंस्टेंट माइलेज के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ इसी में ऐड कर रहा हूँ मैं, जो रेंज है हमारी, रेंज कभी भी जीरो नहीं आती। वो हमारा जो रिजर्व में, सपोज़ अगर 4 लीटर तेल रिजर्व में आता है और आपकी उस समय कार 15 का एवरेज दे रही है, तो आप ये समझिए जो रेंज है 60 पे आएगी और 60 के बाद सीधा गाड़ी रिजर्व में आ जाएगी और रेंज ब्लैंक हो जाएगी जैसे अभी दिख रहा था। दैट मीन्स अभी आपकी कार रिजर्व में आ चुकी है और जैसा आपका इंस्टेंट माइलेज है उसी के अकॉर्डिंग आपकी कार चलेगी। अगर 15 का दे रही है तो आपकी 60 किलोमीटर और चल जाएगी, तो आपके 60 पे आके जीरो हो जाएगी। वहीं आप शहर में हैं या फिर आपका इंस्टेंट माइलेज बहुत कम है तो आप समझिए वो चीज़ और नीचे आके ब्लैंक हो जाएगी, रिजर्व में आएगी। आपकी कार अगर 10 का एवरेज दे रही है तो समझिए वो 40 जैसे ही आएगा उसमें रीडिंग, तो 40 पे आके वो रिजर्व में आ जाएगी और वो ब्लैंक हो जाएगा। अगर आपका 5 का दे रही है एवरेज उस समय शहर में खड़ी हुई गाड़ी पे एसी चल रहा है, तो आप ये समझिए वो 4 लीटर 20 की रीडिंग आएगी, उसके बाद रिजर्व में आएगा। तो यही कहानी है।
अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसमें भी समझाने की ट्राई करूँगा। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स थे वो क्लियर हो रहे हैं इस वीडियो से, तो मेरा यही मोटो था वीडियो बनाने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं, और साथ के साथ सब्सक्राइब करते जाइए संस्कारी सुमित चैनल को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। जय हिंद।